श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान से कैसे भी जुड़ो कल्याण होता है, ऐसा भक्ति शास्त्रों में लिखा हुआ है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम, कैसे भी भय से, दुश्मनी से, काम से, क्रोध से, प्रेम से, लोभ से, जैसे भी भगवान से कोई जुड़े उसका कल्याण होता है। यहाँ तक कि भगवान उसको मार दें तब भी वो अपने धाम में भेज देते हैं, किंतु वो भगवत धाम जाने के पहले जो दुश्मनी में प्रभु के हाथों मारा गया और भगवत धाम गया, तो धाम में पहुँचने पर तो आनंद में पहुँच गया, लेकिन उसके पहले जब तक वो दुश्मनी में था तब तक आनंद नहीं मिलता है, चिंतन होता है बरबर। जैसे कंस को लगता था कि दाल में कृष्ण आ गया, हरी सब्जी में कृष्ण है, साग में, दाल में, हर जगह से कृष्ण दिखते हैं, और यही भय के कारण जो चिंतन हो रहा था उसको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि सर्वत्र ही कृष्ण दर्शन होने लगा, भले प्रेम से नहीं भय से होता था। बस अंतर यह है कि भय से जो दर्शन होता है उसमें आनंद नहीं रहता, मरने के बाद भले आनंद मिले, और जो प्रेम से दर्शन होता है उसमें तो मरने के पहले ही खूब आनंद मिलने लग जाता है। तो आप रसोपासना में श्रवण कर रहे थे सखाओं के प्रेम की बात, वो प्रेम से स्मरण करते हैं, सहज ही चिंतन होता है कन्हैया का, और प्रेम से होता है, इसलिए भगवत धाम जाने के पहले ही वो आनंद में डूबे रहते हैं। और इसी तरह से कृष्ण को भी अपने भक्त के साथ बहुत आनंद मिलता है। दाऊ जी भक्त का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कन्हैया तो भगवान है ही, वो तो गीता जी में भी बोलते हैं, ये थामम प्रवदन्ते तां सथैव भजाम्यहम्, जो मेरे साथ जिस प्रकार से जैसा व्यवहार करता मैं भी करता हूँ। तो दाऊ जी तो भक्त हैं, जीवाचार्य हैं, भक्तों के आचार्य हैं, वो अतिशय प्रेम करते हैं अपने श्याम से, अपने अनुज से। इसी तरह से कन्हैया भी बहुत प्यार करता है, दाऊ को अपना छोटा भाई दो पल भी न दिखे तो तुरंत तो पता लगाना चाहता है दाऊ कि गया कहाँ कृष्ण, और थोड़ी देर नहीं दिखलाई पड़ा तो जोर से बोला कन्हू, तो श्याम सुंदर महाराज पेड़ पर छिप करके पल्लवों में तर पल्लव तहरा लुकाई, और कन्हैया ने जब वो कनू जोर से आवाज लगाया ना दाऊ जी ने, तो ये नहीं कहा कि हाँ दाऊ दादा, ना कु 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 कोयल की आवाज सुनाया। तो दाऊ को थोड़ी हंसी आई हल्की थी, ये तू कोयल बन गया है अब तू, अरे कहाँ छिपा कू कू कर रहा है, तो अब कोयल की आवाज़ तो एक बार सुना थी, अब दाऊ ने तो पहचान लिया कि ये तो कन्हैया है, लाला है, कृष्ण है, इसलिए तुरंत आवाज़ बदल दी। अब कोयल की आवाज़ नहीं की, अब थोड़ा खेल तो करना ही करना है दादा से, हंसी विनोद, इसलिए कू कू करना बंद कर दिया, क्योंकि बोल दिया ना दाऊ जी ने ये कहाँ कू कू कर रहा है, कोयल बन गया है, तो कहो खा खा खा, बंदर की जैसे गुस्सा में बंदर बोलता है खा, तो गुस्सा में बंदर जो खौ खौ करता है वो आवाज निकाला। तो फिर दाऊ ने कहा अच्छा अच्छा बंदर बन गया,
तो तुरंत ही आवाज बदल दिया लाला ने, तो म्याऊ 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 म्याऊ। आप तो महाराज, दाऊ जी बोल पड़े, अच्छा बिल्ली बन गया अब तू, कहाँ छिपा है, कहीं दिखता नहीं है, बस पेड़ में से आवाज आ रही, न जाने कहाँ छिपा हुआ। और महाराज पेड़ के ऊपर ही छिपे छिपे लाला ने तब तक बोले, अब तो कहा अब कुत्ता की आवाज कर रहा है, दिखता नहीं कहाँ है। तब तक लाला ने कहा, मैं बछड़े किसी आवाज निकाला। और तब दाऊ ने कहा, अरे तू इतने ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं तेरी डाल के नीचे खड़ा हूं, जल्दी से उतर। आओ मोटी डाल के ऊपर चढ़े थे एकदम ऊंचाई पर, कृष्ण पेट के बल लेटा हुआ था मोटी डाल पर, तो कैसे दिखे। महाराज पहले तो दोनों चरण दिखाया, फिर चरण नचाया, देख लिया दाऊ ने, ये इसके पास। तो दाऊ जी ने उसके बाद कहा, अरे नीचे उतर नीचे उतर। तो कहा, आऊं दादा आऊं, लो अच्छा आ रहा हूँ। महाराज सर 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 से उतरना शुरू किया, अरे कूद मत, अरे इतनी जल्दी मत कर, इतनी शीघ्रता मत कर, मैं आया नीचे, धीरे धीरे उतर धीरे धीरे उतर। उतरने के पहले ही बोल पड़े कृष्ण, बोल पड़े अपने दादा से, दादा मैं तुझे एक चीज़ दिखाने आ रहा हूँ। अरे क्या चीज़ है, उंगली से ऊपर उठाकर पेड़ में दिखाया। अरे ये तितली थी, हाँ कहाँ चली गई, अरे उड़ गई, अब कहाँ गई, अब मैं देखता हूँ नीचे उतर के। और वो तितली तो बड़ी प्यारी सी, सचमुच वो उड़ करके गुलाब के फूल पर जाके बैठी। अब कन्हैया ने दाऊ दादा को दूर से दिखाया, दादा देख पाटल के पुष्प पर अर्थात गुलाब के फूल पर खूब बड़ी सी रंग बिरंगी तितली, कितनी प्यारी सी है। लाला ने कहा दाऊ दादा से, दादा रंग बिरंगे पंखों वाली बहुत सुंदर तितली बैठी है गुलाब के फूल पर। श्याम सुंदर दो क्षण देखता रहा स्थिरता से, फिर दबे पैर से धीरे 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 उस तितली की ओर बढ़ने लगा। और जब बिल्कुल मोहन ने हाथ बढ़ाया तितली की ओर पकड़ने के लिए, तो महाराज वो तितली कैसी अद्भुत थी कि, और तितली तो उड़ जाती हैं लेकिन उड़ के भागी नहीं, वो तो कन्हैया पकड़े उसके पहले ही आकर के कन्हैया की उंगली पर बैठ गई तितली, स्वयं उड़ करके आ गई, बिना पकड़े ही आ गई। और हाथ की अनामिका उंगली के अग्र भाग पर बैठी, इतना सुंदर रंग, इतना सुरभित पुष्प, अरे इतना सुंदर सुरभित पुष्प पर बैठी थी, अब वो पुष्प कहाँ इसको मिलेगा मेरे हाथ पर बैठ गई आके। तो कन्हैया तो पहले प्रसन्न हो गया कि मेरे हाथ पर बिना पकड़े ही आके बैठ गई, फिर सोचा कि इसका फूल इतना अच्छा था वहाँ से आ गई यहाँ, इससे अच्छा तो वहीं चली जाए। तो तितली को देखता रहा तो थोड़े क्षण, फिर कहा दादा भगा दे तू इसे, भगा दे मेरे हाथ से, इससे फूल पर जाके बैठे। फिर उसने हाथ अपना धीरे से हटाया और बड़े भाई के पास आया, अपने हाथ पर बैठी तितली दाऊ को दिखाई उसने, किंतु ये तितली तो अपने पंख एक में चिपका करके, पंख जो फैलाया नहीं, पहले तो फैलाया था अब चिपका लिया, फिर उसकी उंगली पर अड्डा ही बना के बैठ गई कन्हैया की उंगली पर, ऐसे
अड्डा बना लिया, जैसे अब इसको यहीं रहना है। अरे ये तो उंगली भी नहीं बदल रही, बस अनामिका उंगली पर बैठी है केवल। कभी एक टांग हिला देती है धीरे से बस, न हाथ हिलाने से उड़ती है न उंगली हिलाने से उड़ती है। अनामिका उंगली खूब हिलाया लाला ने लेकिन उड़ी नहीं। अब भला श्याम सुंदर इसे कब तक उंगली पर बैठाए रखेगा? जब उसने सोचा कि दूसरे हाथ से उड़ाए इसको, अब जय ओम कन्हैया ने सोचा दूसरे हाथ से उड़ाऊ इसको, सर से उड़ गई वो। अरे कहाँ गई भाग के वो? अब कन्हैया इधर उधर मुंह घुमा के उसे देख लेना चाहता है कि गई कहाँ। अब सुबल हंसने लगा तो लाला ने पूछा, तू क्यों हंस रहा है? मैं तो तितली खोज रहा हूँ, कहाँ चली गई? तो सुबल ने कहा, अरे कहाँ गई, वो तेरे बाल पर, तेरी अलकों पर बैठ गई, तेरे कुंचित केश पर बैठी है। अरे ये भी कोई बात हुई कि हाथ से उड़ करके सिर पर डेरा जमा ले वो? तो इसलिए कन्हैया ने कहा, दादा भगा दे तो इसे, मेरे सिर पर बैठ गई है। श्याम सुंदर ताली बजा के नाच रहा है, नाचने लगा, ताली बजा बजा के कूद रहा है, नाच रहा है कि शायद अब उड़ जाएगी, अब उड़ जाएगी। और कह रहा, दादा दादा देख मेरे सिर पर बैठी तितली, भगा इसको। और महाराज दाऊ उसकी अलकों पर से तितली को उड़ाने लगा तो दाऊ की उंगली पर ही बैठ गई वो। बड़े भाई के हाथ पर उसे बैठी देख के मोहन खुश हुआ कि चलो अब मेरे ऊपर से हटी, अब दादा के ऊपर बैठी है, दादा की उंगली पर बैठी। तो दाऊ ने हाथ से उड़ाया तो वो उसकी अलकों पर जा बैठी। अब भला कन्हाई को अपने बड़े भाई के केशों पर बैठे रहने दे सकता क्या कन्हाई उसको? कन्हाई को अच्छा नहीं लगा कि मेरे दादा के सिर पर बैठ गई तो बोला, रे इसे मैं भगाता हूँ। लेकिन तितली भी कम चतुर नहीं है, उसे चार स्थान मिल गए हैं ना, जो केशों पर से उसे हटने को हाथ बढ़ाता है तो उंगली पर बैठ जाती, वहाँ से हटाने पर अलकों पर बैठ जाती, कभी राम के कभी श्याम के, कृष्ण के कभी बलराम के। बार बार हटा रहे हैं, बार बार जगह बदल देती लेकिन दूर नहीं जाती। और इससे अधिक अच्छी क्या बात होगी कि वो कभी नील सुंदर के ऊपर और कभी श्याम सुंदर के ऊपर, और उंगली पर कभी अलकों पर। फिर बोले, रे अब तुझे मैं पकड़ूंगा। अब कन्हैया ने तितली को पकड़ लिया, अब पकड़ करके खूब घुमाया, सबको दिखाया, यहाँ तक कि मैया को भी जाके दिखा दिया, बाबा को भी दिखा दिया, ये तितली कितनी अच्छी, कितनी प्यारी तितली है, सबको तितली दिखा दिखा कर आनंदित कर दिया। और तितली भी कोई बहुत भाग्यशाली होगी, मामूली थोड़े होगी, पता नहीं कितने जन्म तप किया होगा, जो श्याम सुंदर के उंगली पर कभी अलकों पर बैठती है, कभी दाऊ की उंगली पर कभी दाऊ की अलकों पर बैठती है, कभी कन्हैया उसे लेकर नाचता है, कभी दाऊ के चारों तरफ घुमाता है, परिक्रमा दिलाता है, मैया का दर्शन कराता है, सब सखाओं का दर्शन कराता है, तो भाई ये तितली मामूली तो नहीं हो सकती है। बहुत ज़्यादा जन्म तक भजन किया होगा इसलिए उन्हें, जो श्याम सुंदर ने उसे प्यार से अपनाया है। कहीं बाग बगीचे में बैठ जाती है, गुलाब के फूल पर बैठ जाती है और किसी फूल पर बैठ जाती है, और जब लाला आते हैं उधर तो श्याम सुंदर को देखकर तुरंत उड़ करके आ जाती है। इस तरह से कृष्ण की प्यारी है तितली है।
भक्तों केवल तितली की बात थोड़ी है, जितने श्याम सुंदर के प्यारे ये खेल कूद में साथ देने वाले, चाहे वो बाल सखा हों चाहे वो जीव जंतु हों, सब परम भाग्यशाली हैं। यहाँ तक कि गैया बछड़ा बछड़े ये भी जो कन्हैया को बहुत प्यार करते हैं ये साधारण थोड़े हैं। भद्र जो सखा है बड़े उत्साह से दौड़ते हुए आकर के समाचार दिया, कन्हू अरे दाम की कृष्ण बछिया ब्याई है। तो बछिया का नाम सुनते ही श्याम सुंदर दौड़ पड़ा, बोला बछिया तो मेरी है, और दौड़ाए सब गोप कुमार भी साथ में, सब चारों ओर से घेर कर खड़े हैं और बड़े स्नेह से बड़े कौतूहल से उस गाय को देख रहे हैं। वो अभी अपनी नवजात बछिया को चाटने में लगी है और कन्हाई सीधे पहुंच गया है बछिया के पास और उसे गोद में उठा लेना चाहता है, इतना प्यारी लग रही बछिया। और श्रीराम गाय को कुछ खिलाने प्रयत्न में लगा है, व्यस्त है थोड़ा कि गाय को कुछ खिलाना है, अभी बच्चा दिया इसने, और बांस की पत्तियां तोड़ लाया है, किंतु ये कृष्ण तो बड़ा नटखट है ना, उसने बछिया को अपना लिया है और अपनी बता करके सबसे लड़ने भिड़ने को तैयार, और बोल रहा बछिया मेरी है तो अभी मत छेड़। तो महाराज श्याम सुंदर बछिया को छोड़कर श्रीदाम की ओर घूमकर खड़ा हो गया और बोला कि बछिया मेरी है, चल तू दादा से पूछ ले। और महाराज ये स्वत्व का निर्णय अपनेपन का कर लेना चाहता है कि मेरी है, और दाऊ दादा तो सब का निर्णय देने वाला निर्णायक है, सब बच्चों के बीच का जज तो वही है, वही बताता है क्या है, फैसला का वही करता है। तो श्री राम भी झगड़ा समाप्त कर देना चाहता है, दाऊ कभी निर्णय में पक्षपात नहीं करेगा, चल उसी के पास चलते हैं। और महाराज दादा मेरे वन में गैया ने बछिया दी तो वो मेरी हुई ना, बड़े रूप से कन्हाई चलता आया है दादा के पास, बोला दादा मेरे वन में गैया ने बछिया दी तो मेरी ही हो गई ना, और मौलश्री के पेड़ के नीचे अपने मौज में दाऊ इस समय अकेला बैठा है। तो दाऊ को अकेले में भी कृष्ण का चिंतन करते हुए अपार आनंद आता है, और श्याम ने आकर के उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया दाऊ का और देखा श्रीदाम की ओर, और श्रीदाम को कुछ कहने की आवश्यकता जान ही नहीं पड़ती थी, दाऊ से कृष्ण ही बोल पड़ा, दादा बछिया तो मेरी है क्योंकि मेरे वन में ब्याही बछिया पैदा हुई। तो दाऊ हंस पड़ा और दाऊ के हंसने पर श्रीदाम प्रसन्न हो गया, चलो दाऊ को प्रसन्नता हुई इसके नटखटपन से। तो इसलिए बोल दिया बछिया तो चलो भाई बछिया तो कृष्ण की, कोई बात नहीं। और मैया भी तेरी बछिया भी तेरी, तेरे गोश्त में अभी पहुँचा देता हूँ उसे, तू दूध पिएगा ना इस गाय का, हाँ ला ले बछिया तेरी। अरे वन में श्री वृषभानु बाबा के गोपों के साथ कैसे आ गए, देखो गैया के ब्याने का समाचार पाकर लगता है वृषभानु बाबा भी आ गए, सब के सब बालक थोड़ा संकोच में पड़ गए, क्योंकि बालकों में बालकों को खेलना अधिक आनंदकारी लगता है, अब ये लोग बड़े लोग आ जाते हैं तो थोड़ा आनंद में बाधा आ जाती है। तो बाबा के साथ आए सब गाय के पास,
और श्याम सुंदर ने फिर देखा बछिया को, उसका मत सहसा बदल गया। काली बछिया थी पैदा हुई थी जो, तो बड़े भोलेपन से बड़े प्रेम से दोनों हाथों से बाबा का हाथ पकड़ करके वो अपनी बात कर रहा है, बाबा मैं काली बछिया नहीं लूँगा, मुझे सफ़ेद बछिया चाहिए, मैं सफ़ेद बछिया लूँगा। और महाराज अब लाला को सफ़ेद बछिया पसंद आ रही, तो कपिला को बछिया देने दे, तुझे सफ़ेद बछिया दे दूँगा। बाबा आनंद से पुलकित हो रहे थे, बोले लाल अभी तो इसी को ले लेना, बाद में सफ़ेद बछिया दे दूँगा। कपिला गाय जो है ना, वो बछिया देने दे उसको, सफ़ेद बछिया तो उसको दे दूँगा, अभी तो इसी को रख ले। भक्तों ये बच्चों के खेल को देखने का मन तो बुजुर्गों को भी हो जाता है ना, इसलिए नंद बाबा के साथ साथ वृषभान जी भी आ गए हैं कि बच्चों का खेल देखें क्या करते रहते हैं, आपस में इतना हंसते हैं हंसाते हैं खेलते कूदते रहते हैं, हम लोगों को तो इतना ध्यान से देखने को भी नहीं मिलता, इसलिए देखने के लिए आ गए हैं। और कह रहे हैं कि लाला तू सफ़ेद बछिया के लिए अड़ गया बिल्कुल, अरे सफ़ेद बछिया मैं तुझको बाद में दे दूँगा, तू पहले ये काली बछिया ही अभी ले ले अपने पास। लेकिन कन्हैया ने कहा नहीं मैं काली बछिया नहीं लूँगा। अब श्याम सुंदर ने बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया, दादा हम सफ़ेद बछिया लेंगे ना। श्याम सुंदर ने दाऊ जी का हाथ पकड़ लिया, बड़े प्यार से जा करके छाती से चिपका लिया दाऊ दादा के हाथ को और कहा दादा हम सफ़ेद बछिया लेंगे ना। अब क्या करें महाराज, पहले तो काली बछिया ले लिया था लेकिन अब तो अड़ गया कि मुझे सफ़ेद बछिया चाहिए। और महाराज कन्हैया तो अपने बड़े भाई का हाथ पकड़े हुए कनु कहता जा रहा है मैं काली बछिया नहीं लूँगा मैं सफ़ेद बछिया लूँगा, और पूछ रहा है बाबा से, बाबा कपिला से कब बछिया देगी, क्योंकि बाबा ने कह दिया था कपिला जो है सफ़ेद बछिया देगी, तो काली बछिया की जगह तू सफ़ेद ले लेना। इसलिए कन्हैया पूछने लगा बाबा कपिला कब बछिया देगी, और फिर आपस में सलाह करके बोल दिया अरे कल दे देगी ना, आज तू काली रख ले अपने पास। तो काली बछिया पकड़ के तो लिया लेकिन दादा से बोलता रहा दादा मैं काली बछिया नहीं लूँगा सफ़ेद लूँगा, मुझे सफ़ेद बछिया ज़्यादा अच्छी लगती है। और महाराज सफ़ेद बछिया की रटन लगाए हुए घर पहुँच करके फिर मैया की गोदी में खेलने लगे, और फिर कुछ वन की बातें सुनाई, कुछ बछिया की बात, कुछ चिड़ियों की आवाज़, कुछ जीव जंतुओं की आवाज़, और मैया ने कुछ बहुत प्यार से खिलाया दूध पिलाया और बहुत दुलारा पुचकारा। कब सो गया लाला उसको पता ही नहीं चला, बड़े प्यार से सो गया, और दाऊ और मैया सब लोग उसके मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। आप भी बड़े प्यार से सोते हुए लाला के प्यार भरे अधरों को देखिए, पलकें बंद नेत्रों का बिंब दर्शन करिए, ऊपर से ही लालिमा युक्त अरुणिमा युक्त कपोल उन्नत नासिका, बहुत प्यारी सी मुस्कान भरी हुई छवि दिखलाई पड़ रही है, और फिर इशारा करती मैया अब जाओ तुम लोग, इशारे से कहते तुम लोग जाओ इसको सो लेने दो, वैसे दौड़ता रहता है दिन भर अब इसको सो जाने दो।
तो अब तो लाला सो रहा है, इसलिए हम लोग भी अब उसको देख करके और उसको सोने में बाधा नहीं डालेंगे। शिरा धीरा धीरे धीरे, शिरा धीरा धीरे।